So the last digit in the decimal representation of question is missing in this. I'll just check the question and give it to you again. So this is 7 raised to the power 105. 7 raised to the power 105. Okay. So हमने 7 की साइक्लिसिटी कितनी की थी? 7 की साइक्लिसिटी 4. 7 की साइक्लिसिटी भी हमारी कितनी थी? 4 थी. Right? So 7 की साइक्लिसिटी जब 4 है तो हम क्या करेंगे, इस पावर को चेक करेंगे कि वो 4 से डिवाइड होती है या नहीं होती, या रिमाइंडर कितना आएगा. 4 2 जा 8 25, 4 6 जा 24. तो आंसर रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कितनी पावर निकालनी है? 7 की पावर सिर्फ 1 निकालनी है हमें. यस मैम. जितना पार्ट उसका डिवाइड हो जाएगा साइक्लिसिटी से उतना पार्ट वो नल हो जाएगा. ठीक है, जो रिमाइंडर होगा आपको सिर्फ उतनी ही पावर निकालनी. तो जब 7 की पावर 1 कितनी होती है? 7 होता है. नाउ योर आंसर विल बी ऑप्शन बी. अंडरस्टूड नाउ? यस मैम. यस मैम. बाकी किसी को कोई डाउट? अब आपका नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है. यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 1/5 की पावर 2000. ओके, अब आपका लास्ट डिजिट इसमें क्या आएगा? सी 1/5 कितना होता है? 0.2 होता है. तो हमें निकालनी है 0.2 की पावर 2000. और 0.2 कितना होता है? 2/10 की पावर 2000. अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे किया था जिसमें हमें डिविजिबिलिटी रूल 9 का चेक करना था. एक डेसिमल वाला क्वेश्चन था, राइट? मैंने तब भी बताया था कि आपके नीचे डेसिमल पार्ट सिर्फ इधर उधर होता है, पावर हो या डिवाइड करना हो कुछ भी. आपका मेन किस पे डिपेंड करता है? ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसी नंबर पे डिपेंड करेगा. तो हमें मेनली क्या चेक करना है कि 2 की पावर 2000 कितनी है. आप 10 की कोई भी पावर लेंगे तो उससे क्या इफेक्ट होगा? सिर्फ डेसिमल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, राइट? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस मैम. ओके, तो हमें चेक क्या करना है? हमें चेक करना है कि 2 की पावर 2000 कितनी होगी. तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4. मैम 4. साइक्लिसिटी है 4. साइक्लिसिटी, राइट? 2 की साइक्लिसिटी आपकी 4 है. 2 साइक्लिसिटी इज 4. तो आप क्या करेंगे? 2000 को चेक करेंगे कि वो 4 से डिवाइड होता है. यस, बिल्कुल डिवाइड होता है. 500 पे जाता है. लेकिन अब इस केस में तो रिमाइंडर बचा ही नहीं. रिमाइंडर आपका कितना आ गया? 0. राइट? तो ऐसे केसेस में जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो मैं आपको उसी में एक चीज और बता रही हूं. व्हेन रिमाइंडर इज 0. ओके, तो आपने डिजिट्स क्या चेक करने हैं? डिजिट्स को मैं L लिख रही हूं. ओके, लास्ट डिजिट. L मींस लास्ट डिजिट. अगर लास्ट डिजिट 2, 4, 6 या 8 है, ओके? अगर लास्ट डिजिट 2, 4, 6 या 8 है, तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट, तो आपका हमेशा 6 होगा आंसर. ओके, और अगर आपका लास्ट डिजिट 3, 7 और 9 है, तो आपका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट आंसर जो है वो 0 आएगा. आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन एवरीबॉडी? आई एम डन. ओके. यस मैम. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तब,
ओके, अदरवाइज आपको सॉल्व क्या करना है, जो भी आपका लास्ट डिजिट था उसकी पावर आपको रिमाइंडर लेनी है. ओके, व्हेन रिमाइंडर इज नॉट जीरो, अगर जीरो नहीं है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन में लास्ट डिजिट है उसको साइक्लिसिटी से पावर को डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा उसकी पावर वो बना देंगे. ठीक है, यही किया हमने. अब इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको फिर दोबारा बता रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो अब आपका रिमाइंडर जीरो आ गया और लास्ट डिजिट हमारा क्या था, टू था. तो जब टू होता है तो आंसर कितना आएगा, आंसर विल बी सिक्स. ओके, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट डिजिट इन दिस मल्टीप्लीकेशन, जब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा. इट इज वेरी इजी, all of you can answer this. Fast. मैम इस क्वेश्चन में ऊपर पावर भी दी हुई है सबकी. ओके, फिर मुझे एक जस्ट मुझे क्वेश्चन चेक करना है. पावर जीरो ही होगा, जीरो होगी. नहीं, कुछ ना कुछ होगा. आई गेस इट इज 3 raised to power 65, 6 raised to power 51, 59, and 7 raised to power 71. This was the question? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. आपको ये question solve करना है. अगर 3 की पावर 65 है, 65 को आप 4 से divide करेंगे cyclicity से, so 64 will be divided and remainder will be 1. So हमें किसकी power निकालनी है, 3 raised to power 1 निकालनी है, right? Sorry. और 6 के केस में क्या होता है कि कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होता है. और 1 के केस, 7 के केस में 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है. और जब आप इसको चेक करेंगे तो 31 and 4 7 are 28, सो इट्स पावर विल बी 3, रिमाइंडर इज 3. व्हेन यू डिवाइड 71 by 4, समझ आया सबको ये? यस मैम. नील आपको समझ आया? डेविड, सक्षम, वेदांत, हर्षिता? यस मैम. यस मैम. सबको समझ आया ये मैंने क्या किया? यस. यस मैम. 3 raised to power 1 क्या होती है, 3 होती है, 6 होता है. और 7 की पावर अगर आप 3 निकालते हैं तो वो कितना होता है, 343. तो यूनिट डिजिट आपके कितना आता है, 3 आता है, राइट? तो अब इन ये आपके तीनों यूनिट डिजिट्स हैं, 3, 6 and 3. आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 6 18, राइट? एंड 18 3 54, 54 आ रहा है. तो आपका यूनिट डिजिट कितना आया, 4. योर आंसर विल बी 4. एनी डाउट्स? नो मैम. No, ma'am. Okay. I mean, question, is it correct? This 245 will be here and 72 will be here. Fine? Yes, ma'am. Okay. So, ab ye question aap mujhe batayenge fast. हो गया सबका? किसी का भी नहीं हुआ?
फास्ट एवरीबडी, सबने अपनी वीडियो क्यों बंद की है? नील, डेविड, सक्षम, वेदांत, व्हाई? जिस जिस की वीडियो ऑफ है ना, मैं आज उसकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी किसी के भी। यस हरियाणा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। यस वंश, यू आर आल्सो करेक्ट। वेदांत, योर वीडियो इज स्टिल ऑफ। योर आंसर इज रॉन्ग वेदांत। ओके, मैं बता रही हूँ, जल्दी कीजिए, क्लास खत्म होने वाली है आपकी। 7245, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। ओके, 245 को जब आप 1 से 4 से डिवाइड करेंगे सो रिमाइंडर विल बी 1। और अब 1 की कोई भी पावर निकालिए तो आंसर आपको, लास्ट डिजिट आपको 1 ही मिलता है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या निकालना है, 7 की पावर 1 और 1 की पावर कितनी है, 72, तो ये भी 1 होगा और ये 7 होगा, सो योर आंसर, योर डिजिट विल बी 7। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।